अरे छोटी बे काकी सा काल या गुस्सो उर गया थोड़ा बे पाछा टीन आया को नहीं आया। नहीं जी जी बे तो पाछा आया ही को नहीं, मैं बैंक का नहीं गई को नहीं पाछी। तो यहाँ कर जे एक बार तू बैंक घर के का नहीं जाया जे कटे हो सके बे चिंटू की बहू को कोई बात को कोई बुरो मान गा वे। हाँ थोड़ा तिल साफ कर लू मैं पाछा जा रहा हूँ बैंक घर का नहीं। हाँ अरे चिंटू उठ गो तू। गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ चाय दूध बना दो जल्दी से। बैठ बैठ बता काई बताऊं था चाय बनाऊं दूध बनाऊं। चिंटू तू अब उठ रहा है सुबह की 10 बज वाला गी है। अरे जी जी रात ने कितनी देर तक मोबाइल मत चलाओ है कीर के काम करतो उल्लो। तो छोटी मोबाइल ही देखो कोई काम थोड़ी करो। अब वाकी कोनिन तो जीजी टाबर है वो नहीं। तू बैठ मैं थार ले रहा हूं। और बता चिंटू आजकल काई कर रहे हो तुम? अरे नहीं मासी अभी कुछ नहीं कर रहा मैं। रीट का फॉर्म भरा है बस और उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा तैयारी कर रही हो रीट की? फिर तो तू पढ़ाई करते हो लो एग्जाम तो अब बाबा वाला ही है। पर तो उसमें पढ़ाई क्या करनी है मासी वो तो मैं तुक्के से ही पास हो जाऊंगा। काई तुक्का हूँ पास हो जाई? तुक्का हूँ कोई पास होया करे की? थोड़ी बहुत तो पढ़ाई तन करनी पड़ी की तो मेहनत आपा कर है जन भगवान फल दे ही। मेरे से मेहनत वेहनत तो नहीं होती। ले चिंटू एथा चाय दूध। तो अगर तू पढ़ाई नहीं कर रहे है खाली तुक्का के ही भरोसे बैठो है कि तुक्का हूँ पास हो जाऊं तो जितने कोई नौकरी कर ले कोई प्राइवेट नौकरी कर ले थोड़ा बहुत पैसा घर के मायने आई जगह ही बढ़िया है कम से कम थारो खुद को खर्चो तो निकली। अरे जीजी पढ़ ले तो इन पढ़ रहे काई करनो है पापा कमावे एक नहीं तो ये तो काई है टापर है रेबा दोन हाल काई जरूरी है तो इन। अरे मम्मी वो ना मेरे रीट के एग्जाम का एडमिट कार्ड निकलवा के लाना है तो पापा को बोल देना निकलवा के लेते आएंगे। हाँ हाँ मैं थार पापा ने कह दूं भाई निकलवा ले आई तू तो चिंता मत कर। और मेरे ना बाथरूम में कुछ कपड़े रखे हुए हैं तो धो देना थोड़े साफ धोया करो कपड़े साफ नहीं धुलते हैं। हाँ बेटा मत ही धो दे मैं तू रख दीजिए बाथरूम के मायने थर कपड़ा धो ही दे परेस ही कर दे मैं सगला कर दे। और मैं अभी जाऊंगा अपने दोस्तों से मिलने के लिए तो खाना क्या बना मेरे को खाना डाल दो। हाँ चिंटू बिन्नी और चिंटू बिन्नी। हाँ मम्मी जी। चिंटू वास्ते खानो लगा दो। क्या बनाया आज खाने में? सब्जी तो आज लौकी की बनाई। क्या लौकी की सब्जी? मम्मी मेरे को नहीं भाती लौकी की सब्जी मैं नहीं खाऊंगा। तुम ऐसा करो मेरे लिए मैगी बना के लिया मैगी बना दो। हाँ तो इन्नी भावे लौकी की सब्जी तो कोई जरूरी थोड़ी है वो केवे जो कोई बना दो एक वास्ते। पर मम्मी जी खाना तो बन चुकी है सब कुछ और अब कुछ बनाओ तो वो ज्यादा हो जाए और बस ठंडो पड़ रहे बाकी को। हाँ तो काई उगो ज्यादा बना दियो तो हैं और मैगी को कहो मैगी बना दो एक वास्ते जाओ बना दो। काम करवाओ की ज्यादा ही जोर आवे जरूरी थोड़ी है टाबन भाई जको खाए टाबन। मम्मी मैं ना अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा क्रिकेट भी खेलने जाऊंगा तो इसलिए करो मेरे लिए एक पानी की बोतल भर के ले आओ मैं लेके जाऊंगा। इसे भर के ले आओ लो एक गिलास मैंने पी लिया दूध चाय ये भी रख देना लो। पी ली दूध चाय ला गिलास मन दे। हाँ हाँ जा तू जाए मैं थार पानी बोतल भर ले रहा हूँ है बारे बिना बोतल के मत जा बोतल ले जा पानी की। चिंटू बेटा। चिंटू वो बताओ चिंटू बेटा। चिंटू बेटा। अरे मासी क्या कर रही हो? अरे बस मन तो थारो लाड आ रही हो चिंटू। चिंटू बेटा चिंटू और बता चिंटू। चिंटू बेटा। चिंटू छोटो छोटो चिंटू। मासी मेरे को दर्द होने लग गया है। चिंटू मासी मेरे को दर्द होने लग गया है। ले बोतल। अरे मम्मी देखो ना मासी क्या कर रही है। अरे जीजी यहाँ कहीं करो। अरे छोटी मैं तो चिंटू को लाड कर रही हूँ चिंटू बेटा। अरे की कोनी बेटा मासी लाड ही तो करे थारो।
अरे पर ऐसा क्या लाड, मेरे गाल पे इतनी तेज जलन होने लग गई है और मासी ऐसे ही करती रही तो खून आ जाएगा। चिंटू मासी बस करो अब आप। अरे जीजी बस करो नहीं काई करो यहाँ। अरे छोटी लाड कर रही हूँ चिंटू को। मम्मी मुझे बहुत तेज दर्द होने लग गया अब। पर जीजी यहाँ को लाड काई काम को जो को टाबर ने नुकसान पहुंचा देवे। देखो तेरी को गाल कितो लाल उगो चिंटू को। अगर ते यही थोड़ी देर और यहाँ करो तो खून अब लाग जाई। रे बत जीजी यहाँ मत करो यहाँ को लाड काई काम को। अच्छा छोटी मारा लाड करवाऊं तो चिंटू की हालत खराब हो रही है तो तू जको लाड कर रही है इन्हें भी तो इनकी जिंदगी खराब हो रही है बा कौन दिखे तने। काई मतलब? मतलब यहाँ के अति मोह कर अति प्रेम कर अति लाड कर तू थारा बेटा ने काई कर रही है तू पंगू बना रही है इन्हें और खुद को पानी को लोटो खुद कौन भर सके खुद की चाय खुद कौन बना सके खुद की रोटी खुद कौन बना सके खुद का कपड़ा खुद कौन धो सके तो एक जिंदगी काई कर रही है तू बर्बाद ही तो कर रही है। पर जीजी मैं यान को तो की कौन सोचियो। हाँ तू कौन सोचे कोई भी माँ बाप कौन सोचे आपके बेटा की जिंदगी बर्बाद कर बारे में लेकिन अनजाना के माँ ने आपका बेटा हूँ अति लाड कर कर बे ओ ही काम करे बे की कौन करे सिर्फ और सिर्फ आपका टावरा की जिंदगी खराब कर रहे। मैं शुरू के मायने ये गाल के ऊपर लाड कर रही चल ठीक हो लेकिन जिये जियो मारो हाथ ज्यादा देर तक मैं फेरती गई वो अति हो तो गयो एक ही चमड़ी लाल होगी और अगर मैं और भी अति करती तो शायद खून भी आ जातो और इनकी हालत खराब हो जाती। बियाई थे माँ बाप जिया अति लाड अति प्रेम करिया जाओ ने बियाई टाबर की अति जिंदगी खराब होती जावे। अगर तू आज ही ना इनकी जिम्मेदारी को एहसास नहीं करा रही है इन्हें आपको एडमिट कार्ड निकालना है तो पापा निकाल दे इन्हें कपड़ा धोना है तो तू मम्मी धो दे चाय बनानी है तो मम्मी बना दे सब्जी आनी बनी तो दूसरी बना दे क्यों तो पंगो ही हो रही हो बैठो बैठो और काई कर जदो आज ही उम्र में खुद को काम खुद कौन कर सक रहे हो तो आगे चल रहो काई कर ले पचे तू तो थारो लाड प्यार दिखा दी पूरी दुनिया में जाप रही लेकिन एक जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए काल ने और ना तो पानी को लोटो भरवा जिसो रहे ना ही कोई मेहनत करवा जिसो रहे। वो आज कमाबा के जान को है लेकिन तू इन कमाबा जाबा ही कौन दे रही है तो आपकी जिम्मेदारी क्या समझी इन्हें बैठा बैठा ने तू रोटियां जिमा रही है बैठा बैठा ने तू इसे घर के मान राशन लार दे रही है इन्हें तो इन्हें काई ध्यान पड़ी के जिम्मेदारी क्या उठाई जिया करे। तन थारे बेटा हूँ लाड है प्यार है मोह है प्रेम है बहुत बढ़िया बात है राखनो भी चाहिए लेकिन इतो अति लाड भी नहीं राखनो चाहिए कि टावर की जिंदगी ही बर्बाद हो जावे। लाड प्यार आपकी जगह है काम काज आपकी जगह है समझदारी आपकी जगह है तन आ समझदारी दिखानी चाहिए कि इन्हें एक ही जिम्मेदारी को एहसास कराना चाहिए। तू कहीं जिंदगी भर बैठी रहेगी इन्हें रोटी बना बना देबा वास्ते या कपड़ा धोबा वास्ते या और कोई काम करवा वास्ते या एक पापा जिंदगी भर बैठा रहेगी घर के मायने राशन लगावा के वास्ते। थारे ज्ञान की घनी मावा है जिकी अति लाड प्यार मोह के मायने ने आपका बेटा ने पंगू बना देवे और कुछ कौन करे और बे बेटा पचकी कौन करे बे एक जगह बैठा बेटा ऑर्डर चलावे चाय लिया जे मम्मी पानी लिया जे मम्मी सब्जी वो बना दीजिए आ कौन खाऊ आ बना दीजिए हमारा कपड़ा बढ़िया धो दी और ये चीज वे खुद भी दुखी हुए और दूसरा ने भी दुखी करे लेकिन आ शुरुआत की जगह हुए आ शुरुआत हुए अटे था लोगों का अति लाड मोह और प्रेम की वजह तो था का टाबराऊं लाड प्यार मोह प्रेम जरूर रखो लेकिन इतो भी मत रखो कि भाई आपकी जिंदगी के मायने पंगू बर्नर बैठ जावे और कुछ भी करवा के लायक ही कौन रहे। मन लागे थे सही कह रहे हो जीजी। मासी आप सही कह रहे हो। मम्मी मैं खेलने के लिए नहीं जा रहा मैं अपना एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए जा रहा हूँ एग्जाम का ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है जी जी मैं ही थोड़ी काकी सा घर का नहीं जा रहा हूँ है।